हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की अकाउंटेंसी की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को अपने हर क्वेश्चन में बताती हूँ कि मैंने आप लोगों के सुटेबिलिटी के लिए क्या किया है, क्वेश्चंस को अपने A4 शीट पे ही लिख लिया है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बिकॉज जब आपको क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस एक ही जगह मिल जाते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों को ज़्यादा कंफर्टेबल होता है सॉल्यूशंस समझने में। ठीक है, बिकॉज कभी कुछ मेरा प्रोसीजर शायद अलग हो सकता है, आपका समझने का तरीका अलग हो सकता है, बट जब एक सब कुछ रिटन फॉर्म में आपको मिलता है तो मुझे लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी सी 10% तो बढ़ ही जाती है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 हमें क्या करने के लिए कह रहा है। इसके पहले तक कि मैंने सारे क्वेश्चंस अपने चैनल पे पढ़ा रखे हैं, तो अगर वो आपको देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जाके विजिट कर सकते हो चैनल पे डायरेक्टली। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 75 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 75 हमें क्या बोल रहा है। देखो, ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ए बी सी क्या है? पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करते हैं? 4:3:2 में। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट बी शेयर्स ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1,50,000 पर एनम। बी को एक तरीके से बोला गया है कि तुम्हें 1,50,000 रुपये प्रॉफिट हर साल का दिया ही जाएगा। ठीक है, उससे कम तुम्हें प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। द लॉसेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर 85,000। अब उस साल तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, उस साल लॉस हो गया, जो कि था 85,000 का। उस साल बिजनेस को क्या हो गया? लॉस हो गया। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसमें से उन्होंने क्या किया था, लोन भी नहीं दिया था, लोन का इंटरेस्ट भी नहीं पे किया था, जो कि था 1,00,000 रुपए टेकन फ्रॉम ए ऑन द 1st June, जो कि 1,00,000 रुपीज उसने क्या किया था 1 जून को ए से लिया हुआ था। ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट भी उनको देना है, तो यू आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी अकाउंट फॉर डिवीजन ऑफ लॉस एंड पास जनरल एंट्री। तो हमें क्या करना है, इस जो ये लॉस हुआ है इसके लिए हमें जो अकाउंट बने, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा, वो अकाउंट बनाना है और हमें नेसेसरी जनरल एंट्री है उसके लिए पास करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हमें सीधा सीधा 85,000 जो लॉस हुआ है उसको इस रेशियो में बांटना होगा ताकि पता चल सके कि किस पार्टनर का कितना लॉस आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 80,000 को 4:3:2 के रेशियो में बांटेंगे, तो आएगा 4/10। ठीक है, नहीं 4/9, इसका आएगा 3/9 और इसका आएगा 2/9। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस रेशियो में इसको बांटना होगा। तो जब हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये नहीं करेंगे, मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें जो लोन अमाउंट है वो भी प्लस करना है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, उसमें देखो लॉस है तो लॉस इधर ट्रांसफर होता है डेबिट साइड, तो हमने लॉस बिफोर इंटरेस्ट क्या कर दिया, 85,000 ट्रांसफर कर दिया। अब हमें ए के लोन पे इंटरेस्ट भी देना है, लेकिन सिर्फ 10 मंथ्स का देना है, बिकॉज वो 1 जून को लिया था लोन। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 10 मंथ आया, तो हमें सिर्फ 10 मंथ का कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम 6% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो 1,00,000 पे जब हम 6% के हिसाब से 10 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 × 2 = 12 और 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5,000। ठीक है, तो 5,000 हम इस लॉस में और ऐड करेंगे, बिकॉज क्या करना है, ए को तो लोन का इंटरेस्ट देना ही देना है। तो अब हमारा टोटल आया 90,000 रुपीज। तो अब हम इस 90,000 को क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90,000 को बांटेंगे, तो 9 × 1 = 1 और 9 × 9 = 9 और ये क्या हो जाएगा, 10,000। 10,000 को 4 से इंटू करेंगे तो 40,000 ए का आ जाएगा लॉस। तो अब ये 3 से करेंगे तो 3 को 10,000 से करेंगे तो 30,000 आ जाएगा बी का लॉस। इसी तरह 2 को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 20,000 सी का लॉस। ठीक है, तो इस लॉस को जब हमने प्लस किया तो आया 90,000 रुपीज। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बन गया। अब हमें नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है,
नेसेसरी जर्नल एंट्री पहले हमें जितना चीज पता है उतने का कर लेते हैं। देखो पहले हमें ए को हमने क्या किया, लोन दिया है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ए लोन अकाउंट दिया टू एज लोन अकाउंट, इसको हम डेबिट और क्रेडिट कर देंगे 5,000 से, ठीक है। फिर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर रहे हैं, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन अकाउंट, ठीक है, 5,000 रुपीज, 5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट कर दिया। अब क्या आ रहा है, अब तीनों पार्टनर्स में जो हमने लॉस डिवाइड किया है, अब लॉस का हमें एंट्री दिखाना है, तो ए का लॉस कितना है 40,000 रुपीज, बी के कैपिटल में कितना गया कैपिटल अकाउंट में 30,000 रुपीज, सी के कैपिटल अकाउंट में कितना गया 20,000 रुपीज, और ये कहाँ गया, प्रॉफिट एंड लॉस को हमने क्रेडिट कर दिया इतने से, और पार्टनर्स को इतने इतने से डेबिट कर दिया, ठीक है। लॉस ऑफ 90,000 डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, इसका हम नरेशन लिखेंगे, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन ए लोन टू द फर्म, ए ने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है। फिर इसको करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस में से दिया है, तो हमने उसकी एंट्री की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब तीसरी एंट्री के पहले हमें एक वर्किंग नोट देखना होगा, वो वर्किंग नोट क्या है, सी इज अ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000, सी को गारंटी दी गई थी 1,50,000 उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वेयर एज शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट इज 30,000, लेकिन उसको प्रॉफिट तो नहीं मिला बल्कि 30,000 रुपये जो लॉस हुआ फर्म को वो भी उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया गया, ठीक है। Hence he will be credited by 1,80,000. अब उसको क्या मिलेगा, 1,80,000 रुपए से हमें उसको क्रेडिट करना होगा, बिकॉज उसका लॉस का कोई शेयर नहीं था, उसको 1,50,000 हमने देने का बोला ही बोला था, दैट इज 1,50,000 प्लस 30,000, ठीक है। बॉर्न बाई ए एंड सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब ये जो लॉस हुआ, ये जो देना है सी को पैसा, ये ए और सी देंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 4:2, 4:3:2 था, तो ये क्या था, ये तो हमारा सी का था, और 4:2 क्या था, ए और सी, ये हमारा बी का था, और 4:4, ठीक है। यहाँ पे देखो गलत लिखा है, बी को गारंटी दी गई थी, सी को गारंटी नहीं दी गई थी, ठीक है, बी को गारंटी दी गई थी, तो बी का क्या था, 3, जो हमारा ये था 3 वाला रेशियो, ये बी का था, तो अब बोलो 4:2 में इस लॉस को बांटेंगे, ठीक है। तो जब 1,80,000 को हम क्या करेंगे, 4:6 और 2:6 में बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2×2=4, 2×3=6 और 3×6=18 और 000, 1, 2, 3, 4, 4, 0, तो आया 60,000, इंटू 2 करेंगे तो 1,20,000 रुपीज आया, तो 1,20,000 क्या हो जाएगा, ए देगा इतना और सी कितना देगा, सी को हम क्या करेंगे, वेट अ मिनट, 1,80,000 को हम क्या करेंगे, 2×6 करेंगे, तो 2×3=6 और 3×6=18, 60,000, मतलब इसका आएगा क्या है, 60,000 रुपीज, ठीक है। तो ए के कैपिटल अकाउंट में 1,20,000 लॉस गया, सी के कैपिटल अकाउंट में 60,000 गया, और बी को क्या हो गया, 1,80,000 हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और इतना इतना इन के पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे नरेशन लिख दिया, डिफिशियंसी ऑफ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट मेट बाई ए एंड सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 4:2, ठीक है। जो डिफिशियंसी उनके लॉ बी के शेयर में आ गई थी, उसको ए और सी ने अपने पास से दे के क्या कर दिया, रिकवर कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू।